नमस्कार साथियों, मैं सुनील पांडे, प्रदेश प्रवक्ता टीटीएसटीटी न्यूजी शिक्षक संघ बिहार। मैंने कहा था कि मैं आज 5 बजे शाम में लाइव आऊंगा, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं लाइव तो आया, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण बार बार मैं डिसकनेक्ट हो जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना के ही डाल दूं, क्योंकि मेरे शिक्षक साथी परेशान होंगे, उनको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हुआ, और थोड़ा सा उम्मीद जगता है तो नहीं होता, मन में बेचैनी रहता है। तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के ही अपडेट दे दूं। देखिए, नई शिक्षक नियमावली आ रही है, इसमें आपने पढ़ा होगा विभिन्न अखबारों में, टीवी चैनल्स में आ रहा है, जिला कैडर बनाया जा रहा है, लेकिन एक अलग ढंग का जिला कैडर हो रहा है, जिसमें आप जो है सारी नियोजन इकाइयों को भंग कर दिया गया है, मतलब पंचायत प्रखंड वगैरह को भंग करके एक जिला लेवल पे एक नियोजन इकाई का गठन किया गया है। और वो नियोजन इकाई जो है, चूंकि बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 नियोजन इकाई होगा, और वो नियोजन इकाई जो होगा, जो बहाली की प्रक्रिया होगी उसमें, वो सेंट्रलाइज होगी। एक आयोग का गठन सरकार के जो अधिकारी हैं उनके हिसाब से जो मुझे पता चला है कि उन लोगों के द्वारा एक आयोग का गठन किया जा रहा है, और उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन जो है सेंट्रलाइज ढंग से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, और लेकर के आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट करके, और वहाँ जो सेंट्रल मतलब जिला स्तर पे जो बना है हमारा नियोजन इकाई जो मतलब जिला कैडर वाला, वहाँ पे वो लोग भेज देंगे, और वो लोग क्या करेंगे, केवल नियुक्ति पत्र नियोजन पत्र देने का काम करेंगे। तो बहुत बड़े स्तर पे जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा और पारदर्शिता होगी, और हमारे शिक्षक जो परेशान रहते थे वो थोड़ा सा परेशानी कम होगा। हालांकि हम लोग ये मांग नहीं कर रहे थे, हम लोग तो मांग कर रहे थे कि पुराने शिक्षकों की भांति सारी सुविधाएं हम लोग मिले, समान काम समान वेतन मिले, लेकिन चूंकि आपको पता है कि अभी सरकार की स्थिति मेरे समझ से ठीक नहीं है, उठापटक चल रही है, और शिक्षा मंत्री भले ही रामचरितमानस पे या बाकी चीजों पे अनभंड बयान देते हैं, उल्टा उलूल जुलूल बयान देते हैं, लेकिन शिक्षकों के प्रति मुझे लगता है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन शिक्षकों के प्रति उनका सोच जो है वो सकारात्मक मुझे लगा, उनका उनकी टीम का सोच काफी सकारात्मक लगा, और मुझे लगता है कि ये सरकार कुछ बेहतर करेगी, बहुत चीज तो नहीं देने जा रही है। तो ये जिला स्तर पे हम लोग का एक सारा नियोजन इकाई खत्म करके एक जिला लेवल पे कैडर बन रहा है। इससे लाभ ये होगा कि हमारा जो बहुत प्रतीक्षित मांग था हमारे महिला शिक्षिकाओं का, पुरुष शिक्षकों का, ट्रांसफर को लेकर हम लोग काफी परेशान थे, तो ये समस्या अभी सॉल्व होते हुए दिख रहा है कि ये नियोजन इकाई जिम ही आएगी, ये नियोजन इकाइयों का लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो हमें सभी कोटि के शिक्षकों को, हमको लगता है कि अंतर जिला जो ये ट्रांसफर है वो एक बार जरूर मौका मिलेगा, और आगे भी अगर मतलब बहुत समस्या नहीं होगी, क्योंकि जिला कैडर पे ही होगा, तो पंचायत और प्रखंड वाला लफड़ा नहीं होगा, तो आसानी से हम लोग का जो है ट्रांसफर हो सकेगा। दूसरी चीज है पे प्रोटेक्शन हम लोग को मिल रहा है, सभी प्रकार की छुट्टियां मिल रही है, सीएल ईएल वगैरह सब। ईएल में कुछ तकनीकी खामियां थी, जिसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक और हम लोग अपने स्तर से उस पर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो समस्या भी समाधान हो जाएगा। ईएल 120 दिन का मिल रहा था, जिसके लिए हम 240 दिन का मांग किए हुए हैं, और वो मतलब उसका कोई भुगतान नहीं मिल रहा था, मतलब पैसा नहीं मिलेगा, उस पर हम लोग आपत्ति दर्ज कराया हम लोगों ने, तो आश्वासन मिला है कि नहीं इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो इससे ट्रांसफर हो गया, जिला स्तर पे एक कैडर हो जा रहा है। दूसरा कि जनप्रतिनिधियों की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो रही है बिल्कुल से, तो इससे थोड़ा सा भ्रष्टाचार जो है वो कम होगा। दूसरा है जो सीएल है, ईएल है, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, ये सब पूर्व की भांति हम लोग को मिलते रहेगा। दूसरा है कि स्टडी लीव के लिए बहुत सारे शिक्षक हमारे परेशान थे, तो स्टडी लीव का भी प्रावधान इसमें है। दूसरा है कि पे प्रोटेक्शन पहले था लेकिन सेवा निरंतरता नहीं थी, तो इस बार सेवा निरंतरता भी मिल रही है, पे प्रोटेक्शन के साथ साथ सर्विस कंटिन्यूटी भी हम लोगों को मिलेगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को इस बार इस सेवा शर्त में हम लोग को मिल रहा है। हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे, हम लोगों ने मांग किया है, मजबूती से मांग किया है, और CPIML को भी धन्यवाद करेंगे, CPIML के सारे विधायक, खासकर संदीप सौरभ जी काफी एग्रेसिवली हम लोगों के पक्ष में ये अपना काम किए हैं, और हम लोग राजकर्मी के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो माननीय मंत्री जी हैं और उनके जो सहकर्मी लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि अभी सरकार जो दे रही है वो ले लीजिए, बहुत स्थिति ठीक नहीं रही है,
और चूंकि आपको पता है कि मतलब पीछे शिक्षा विभाग कैसे चलता था, तो अभी धीरे धीरे वो ठीक कर रहे हैं। तो बहुत जल्द उन्होंने कहा कि पहले ये सारी चीजें हम ठीक कर लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन है डिपार्टमेंट में, वो सारी चीजों को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपका राजकर्मी भी हम देंगे, और आने वाले समय में सरकार समान काम समान वेतन पे भी अपना काम कर रही है, काम करेगी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। तो मुझे लगता है शिक्षक संगठन के नेता के नाते कि बहुत सारा समस्या हम लोगों को तो है ही, और हम लोग बहुत सारा ये अपेक्षाएं भी रहती हैं हम लोगों से भी और सरकार से भी लोगों को, बहुत सारे लोग तो गाली देने लगते हैं आके कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग भी अपना प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि सकारात्मक ढंग से कुछ बेहतर हो। तो इस बार कुछ बेहतर होगा, बहुत बेहतर की तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेहतर होगा। अभी हम लोग ये पटरी जो चल रहे थे, एक पटरी मिल रहा है और एक डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे, ये एक लाभ हो रहा है, और धीरे धीरे समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, मैं देखता हूं किसी भी चीज के लिए आप करो तो उसमें कमेंट आने लगता है कि एरियर का क्या हुआ, एरियर का क्या हुआ, एरियर को लेकर रोज कुछ ना कुछ अपडेट आता है। एरियर की तो स्थिति ये हो गई कि एरियर पे जो बोल दे उस पर एक व्हाट्सएप का गैंग चल है, वो गैंग क्या करता है कि मैसेज बना के लोगों को बदनाम करना और उलूल जुलूल खबरों को प्लान करना शुरू कर देता है। सच्चाई ये है कि एरियर की जो राशि है वो स्वीकृत हो चुकी है, तो इस वित्तीय वर्ष में उसको हर हाल में शिक्षकों को देना ही पड़ेगा, एक चीज। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि सरकार जो है पैसा अलॉट जो करती है वो पेपर में करती है, ऐसा नहीं है कि बैग भर के पैसा दे देती है, अगले जाके दे दीजिए। तो पेपर में तो पास हो चुका है लेकिन ट्रेजरी में पैसा नहीं है, इसलिए किसी कोई कोई जो है भ्रम फैला के कोई कोई दिक्कत करके बार बार बिल वापस किया जा रहा है। जो मेरी बात उपनिदेशक से हुई है, जो हम लोग के वेतन विभाग की उपनिदेशक हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने जो आश्वस्त किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्द एरियर का भी भुगतान हो जाएगा। फरवरी से मार्च तक हम लोग का सारा एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए उनके शब्दों में, चूंकि इस वित्तीय वर्ष में उसका जो है प्रावधान किया जा चुका है, तो हर हाल में कहीं ना कहीं से जैसे ही पैसा का प्रबंध होता है वो जिलों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, हम समझ सकते हैं, हमारी भी समस्याएं हैं, हम लोग भी वही हैं, हम लोग को अलग से कुछ वेतन मिलता है नहीं, कुछ अलग से आता नहीं है कहने के लिए, लोग बहुत तरीके का आरोप लगाते हैं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने एचएम से ठीक से नहीं बात कर पाते हैं छुट्टी लेने के लिए और बाकी चीजों के लिए, लेकिन हम लोग उसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से जाके लड़ लें, मर जाए कट जाए, हम लोग को जो जितना औकात है जितना क्षमता उस हिसाब से करते हैं। तो यही सारी बातें हैं कि जिला कैडर बनाया जा रहा है, लेकिन ये अलग ढंग का जिला कैडर होगा, ट्रांसफर भी मिलेगा लोगों को और सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन, सभी प्रकार के अवकाश और ईपीएफ सबको तो मिल ही रहा है, ईपीएफ के लिए हम लोग लड़ाई लड़े थे मिल ही रहा है। हम लोग का मांग है कि एनपीएस मिले, लेकिन अन्य राजकर्मियों की भांति एनपीएस मिले, लेकिन अभी मिलता हूं दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे जो है सरकार जो है ये सरकार जो मुझे आश्वस्त किया गया है, मुझे जो बताया गया सरकार के शिक्षा मंत्री के लोगों के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, कि वो लोग बहुत जल्दी कुछ सकारात्मक धीरे धीरे करेंगे। उनका कहना है कि जो हम दे रहे हैं वो लीजिए, हम लोगों का बहुत स्थिति खराब है, सामाजिक स्तर पर भी हम लोग का बहुत सारा ये मतलब बहुत स्तर गिरा दिया गया, इस ढंग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो उस चीज को वो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक कमीशन के माध्यम से बहाली होगी। वो कमीशन पूर्व की भांति ही 60-40 वगैरह का क्या क्या चल रहा है, मुझे जो बताया गया कि पहले जो रिक्रूटमेंट का तरीका था मार्क्स बेसिस वाला वैसे ही चलेगा, कोई 60-40 वाला लफड़ा नहीं है। इसी 60-40 के नाम पे सीटेट में आज भीड़ पड़ा हुआ है और सारे सेटर पैसा कमा के लाल हो गए हैं और सुन रहे हैं कि सेंटर पे सर्वर हैक करके लोग काम कर रहे हैं, अलग वो अलग चीज है। चलिए तो बहुत पैनिक नहीं होना है, जो बहाली की प्रक्रिया थी उसी ढंग से होगी, लेकिन ये आयोग के माध्यम से होगी, मार्क्स बेसिस पे ही होगी, जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी। आयोग ऑनलाइन सेंट्रलाइज ढंग से लेगा अपना आवेदन और वो संबंधित जो जिला इकाइयां हैं जो जिला लेवल पे गठित की गई हैं, जिला मतलब संवर्ग का, वहां पे एक नया जिला संवर्ग नियोजित शिक्षकों के लिए, वहां वो लोग ट्रांसफर कर देंगे चीजों को और वहां से केवल हम लोग को नियुक्ति पत्र वगैरह मिलेगा, और जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं उन लोगों को भी उसी में समायोजित कर दिया जाएगा। मतलब हमारा भी केवल जिला कैडर होगा, इससे हमारे ट्रांसफर और बाकी समस्याओं का समाधान होता होता दिख रहा है। बाकी उम्मीदें हम लोग को बहुत ज्यादा है सरकार से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने हम लोगों की सारी समस्याओं का समाधान का वादा किया है, लेकिन एक सकारात्मक संगठन होने के नाते हम लोग जो
बहुत सारा इसमें समस्या है, धीरे धीरे ही ठीक होगा। तो सरकार एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है कि जिला स्तर पर कैडर बना रही है, ट्रांसफर आ रहा है और बाकी चीजें आ रही हैं, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार से एक मांग भी करते हैं मतलब प्लेटफॉर्म पे कि वो जो नियमावली है, चलिए हम लोग तो कैसे कैसे अपना कुछ जानकारी ले लिए हैं, आम शिक्षकों के लिए, आम लोगों के लिए भी इसको पब्लिक डोमेन में जारी किया जाए और जारी करके उसके बाद इसको जल्द से जल्द कैबिनेट में ये करके और हमारे जो छोटे भाई लोग अभ्यर्थी लोग परेशान हैं उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाए जिससे उनको सहूलियत हो और थोड़ा सा उन पर एक बेरोजगार बन के सरकार में बैठे लोग सोचे। माननीय तेजस्वी यादव जी से अनुरोध होगा और बाकी जो मांगे हैं, राजकर्मी तो जरूर बनाया जाए, ये हम मांग करते हैं। हम लोग बहुत मजबूती से मांग भी किए हैं, संभवतः हो सकता है शामिल कर लिया जाए लेकिन अभी होता दिख नहीं रहा है। चूंकि मैं आप लोगों से कन्वर्सेशन कर रहा हूं तो मुझे आप लोगों तक उचित जानकारी पहुंचाना मेरा फर्ज है, तो हम लोग प्रयास तो किए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मार्कंडेय पाठक जी, मैं, हमारे महासचिव साकिर इमाम जी, नाजीर हुसैन जी प्रदेश सचिव, ये सारे लोग, मुकेश जी प्रदेश उपाध्यक्ष, सब लोग मिलकर काफी मेहनत किए हैं और इसमें CPIML के विधायकगण का भी, खासकर संदीप सौरभ का, बाकी लोग का, परवीज जी जो है CPIML के, उनका भी काफी सराहनीय योगदान रहा है। तो इन सब लोगों के अथक प्रयास से हम लोग कुछ बेहतर होने की स्थिति में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये कैबिनेट में ये नियमावली पास हो जाएगी, फिर हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा मांग है कि कैबिनेट में पास करने के बाद या उससे पहले एक बार पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया जाए इस चीज को और इसको बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा देखने समझने के लिए डाल दिया तो ज्यादा बेहतर होगा। और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार बेहतर करेगी। शिक्षा मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मैं सहमत नहीं रहता हूँ, ये रामचरितमानस वाला बयान हो या बाकी चीजें हो, लेकिन शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति मुझे लगा कि वो कुछ बेहतर सोच रहे हैं और कुछ अच्छा करने का प्रयास वो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को सहयोग करना चाहिए। और जो सरकार दे रही है उसे पहले लिया जाए। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है, एक साथ दूर नहीं हो सकता है, अपेक्षाएं बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, हम लोगों को भी है, हम लोगों से आप लोगों को भी है, लेकिन सरकार जो दे रही है उसको लेना चाहिए और लेके धीरे धीरे हम लोग जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, फिर आगे जैसे होगा हम लोग आपस में कन्वर्सेशन करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी से ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है। ज्यादातर शिक्षक संगठनों में होता है कुछ जब भी बेहतर होने वाला होता है हो हल्ला करके बवाल मचाना शुरू कर देते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप बवाल ना मचाए, जो मिल रहा है वो पहले ले, उसके बाद आगे जो है वो कैसे क्या करना है वो हम लोग आपस में रणनीति तय करेंगे। और सरकार अभी आने वाले चुनाव में, बिना चुनाव के सरकार इतना कर रही है, तो आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। मुझे तो उम्मीद है कि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष में कुछ सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो कमेटी बनी थी, जो हम लोग का ये वेतन विसंगति वाला, वो भी अपना रिपोर्ट दे दी है, तो हमको लगता है कि सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में उस पर भी संज्ञान लेके कुछ बेहतर करेगी, ये संभावित है। इस पे मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है जो सेवा शर्त की बातें थी वो मैं अपने स्तर से 100% कन्फर्म हूँ, मुझे ये सारी जानकारी मिली है तो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।